अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हनीफ अंसारी, आपकी होस्ट। और आज मैं हूँ टीवी चैनल के जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैं लेके आई हूँ आपके जिस बीमारी का इलाज, उसका नाम है गले का फूल जाना। बहुत ही आसान इलाज हम इसमें आपको बताएंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जाने। गले का फूल जाना या सूज जाना या गले में ऐठन महसूस होना, जैसे मौसम चेंज होता है, चाहे गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी की तरफ चाहे मौसम, तो उसमें अक्सर ये होता है कि गले सूज जाते हैं या गले में ऐठन महसूस होती है, मतलब कुछ भी खाते हुए उसमें तकलीफ़ होती है या खिंचाव सा महसूस होता है। तो इसके लिए हम आपको आज इसका बहुत ही आसान इलाज बताएंगे। और इलाज इसका ये है कि आपने एक बैंगन लेना है, पूरा साबुत बैंगन, ठीक है, उसको आप थोड़ा पानी डालकर उसको उबाल लें। और उबाल के जब वो देखें कि उबल गया है, थोड़ा सा नरम पड़ गया है, तो उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने करना ये है कि एक मलमल का कपड़ा ले लें, पट्टी जैसी होती है एक, उस तरह की एक मलमल का आप कपड़ा ले लें और उस कपड़े पे उस बैंगन को काट के उसके टुकड़े करके उसको फैला लें, ठीक है। वो फैलाने के बाद जब कपड़े पे अच्छी तरह आप उसका लेप कर लेंगी, तो उस कपड़े को लेके आपने फिर यहाँ पे गले पे हल्का हल्का जैसे दबाव डालना है, जैसे मसाज हल्का सा करते हैं उस तरह, या हल्का हल्का यूं करके उसको पुश करना है, ठीक है। उसको पुश करने के बाद या उसको हल्का सा मसाज करने के बाद आपने उसी पूरी पट्टी को पूरे गले पर रैप कर लेना है, यानी पूरे गले पर इस तरह करके, गला है आगे पीछे ऐसे, इस तरह इसको लपेट लेना है। और रात के टाइम आपने इसको लपेट के सो जाना है। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह इस बीमारी से निजात मिल चुकी होगी और आपका जो गले में ऐठन है या गले में जो सूजन है, ये बग़ैर किसी मसले में पड़े आप इस बीमारी से निजात हासिल कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही आसान इलाज है जो हम घर बैठे कर सकते हैं, और सिर्फ एक चीज़ है जिससे आप इस्तेमाल करते हुए अपना ये इलाज करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मैं ये पसंद आया होगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और जो भी आपकी कमेंट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारा जो होम टीवी चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जिस बीमारी का भी इलाज हम या जो भी वीडियो हम इसमें अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें अपनी आरा से मतलब करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।